स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर ने डेवलप करतु प्रोजेक्ट नु इनोग्रेशन सूरत शहर थी थवा जई रह्यु छे। जे रीते धोरा मां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट निर्माण पामी रह्यो छे तेवी ज रीते सूरत शहर मां पण आ रीतनो प्रोजेक्ट आगामी दिवस मां साकार थशे। आ अंतर्गत एक पत्रकार परिषद पण योजवामां आवी हती जेनी संपूर्ण माहिती अपाई हती। सर मैं जो हूँ जिग्नेश जोशी हूँ, जे जोशी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स से डायरेक्टर में, और हम इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। सर किस पर्पस से, किस लिए ऑफिस खोली हुई है और मुख्य तौर पे क्या कामकाज रहेगा, किस तरह से कामकाज करने वाले, क्या हेतु है, पूरा एक साथ में बताइए। ठीक है, बेसिकली ऐसा है कि पहले तो आज का जो दिन हमने चूज किया उसकी मैं बात करूँगा कि 16 तारीख 16 जनवरी कंसर्न ऐसा था कि जैसे कि कोरोना का भी आज पहला वैक्सीन डे है और हम जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल से लोकल से ग्लोबल तक की जब भी मोदी जी ने बात कर रहे थे, वैसा ही जो प्रोडक्ट हमारा जो है वो है लोकल से ग्लोबल तक का, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब भी हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं तब ऐसा है कि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी धोलेरा बनने जा रहा है। और धोलेरा की जब हम बात करते हैं तो ऐसा है कि अगर एक सिटी को डेवलप करना है तो बेसिक से जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे होने जा रहा है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे हमने बात किया वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म हम डेवलप करने जा रहे हैं वो लोकल से ग्लोबल तक का ये प्लेटफॉर्म डेवलप होने जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सूरत हमने चूज़ किया, वैसे अभी हमारा जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी है, हमारा प्रेजेंस गुजरात के अंदर, हम अहमदाबाद के अंदर हमारा कॉरपोरेट ऑफिसिस है। उसके अलावा हमने सूरत क्यों प्रेफर किया, क्योंकि जब भी हम सूरत की बात करते हैं तो प्लान और स्मार्ट सिटी के हिसाब से सूरत का नाम पहले दिया जाता है। तो सूरत से हम ये वर्कआउट करना चाहते हैं कि सूरत जैसे डेवलप हुआ, अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वो वेसू एरिया, हमें सबको पता होगा कि ये लास्ट 10 साल पहले ये वेसू का बेस क्या था और आज वेसू का बेस क्या है। तो सेम चीज़ है, धोलेरा भी बेसिक सिटी से डेवलप होने जा रहा है। तो वही सिटी जो जिसने चीज़ देखा हुआ है, जिसने वो विज़न में लिया हुआ है, वही इंसान उसको इजीली मैनेज कर पाएगा, और वही कारण से हमने ये ऑफिस का ऑपरेशन हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। धोलेरा में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आपका क्या योगदान है, किस किस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, क्या बना रहे हो, किस चीज का क्या कुछ है? ओके, बेसिकली ऐसा है कि हमारे धोलेरा के अंदर 34 प्रोजेक्ट्स अभी चालू है। इसके अंदर अगर हम बात करें इंक्लूड इसके अंदर तो इंडस्ट्रियल पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है, सिटी सेंटर जोन है, रेसिडेंशियल्स है, यानी ऐसा समझ के चलिए कि 34 के अंदर जो धोलेरा तीन फेज़ में डिवाइड करने जा रहा है। पहला जो फेज़ है वो 2021-22 तक कंप्लीट होगा, दूसरा फेज़ जो है 2032 तक कंप्लीट होगा, और तीसरा फेज़ है जो 2040 तक कंप्लीट होगा। ऐसे तीन फेज़ में जो बनने जा रहा है, हर एक जोन के अंदर हमारा प्रेजेंस है और वही सेक्टर के अंदर हम काम करने जा रहे हैं। यानी कि एक कस्टमर जब भी कोई चीज़ देखता है तो उसके रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो अलग अलग ऑप्शंस में बारे में हमें सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री के बारे में सोचता है तो उसको एक अलग डेवलपर के पास में जाना पड़ता है, अगर कोई लॉजिस्टिक जोन के बारे में सोचता है उसको अलग डेवलपर के पास में जाना पड़ता है, अगर एक रेसिडेंशियल जोन के बारे में सोचता है तो उसको अगर अलग सेगमेंट में जाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक सिंगल बेस के ऊपर सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो कोई भी कस्टमर कोई भी ऑप्शन में जाना चाहेगा तो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी कोई सिटी की बात करते हैं, जैसे कि मोदी जी ने ये सपना देखा था जब उनके 2 टाइम उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए थे, और उस टाइम पे उन्होंने सोचना चालू किया कि हम ऐसे सिटी का निर्माण करेंगे जहाँ पे गोरे लोगों को हम लाइन में खड़े रखेंगे वीज़ा के लिए, और वो विज़न से सिटी का डेवलपमेंट चालू हुआ, और उसके बाद में सारी चीज़ें जुड़ती गई, जैसे कि DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसाब से पहला सिटी बनने जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिसाब से पहला सिटी बनने जा रहा है। तो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चालू किया कि स्मार्ट सिटी हम ये लेवल पे करने जा रहे हैं, वैसे ही हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा मेन कंसर्न ऐसा है कि हम हर घर यानी हर इंसान को एक घर मिले वो हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। यानी आप समझ के चलिए हमारा छोटे छोटा का प्लॉट का जो साइज़ है वो सिर्फ 2 लाख रुपए से चालू करके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की हमारी रेंजेस है। तो एक छोटे से छोटा इंसान भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। हमारा मेन कंसर्न ऐसा है कि जब भी हम
प्रॉपर्टी की बात करते हैं या प्लॉट की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रियल एस्टेट के अंदर, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा लगेगा। नहीं, हम ये सिटी के अंदर एक छोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों को क्लस्टर करना चाहते हैं, तो ये हमारा मेन कंसर्न है। डायरेक्टर जी नोबली डेनमा, अमरा बे डायरेक्टर मेरी साथ आज प्रेजेंस मोहित सिन्हा अने मनीष गुप्ता जी अने एक डायरेक्टर हजू बेंगलोर में है। तो बेसिकली अमे कम्प्लीटली मार्केटिंग आ स्टेज पर लई जवा मांगे छे कि अत्यारे आखा इंडिया में धोलेरा स्मार्ट सिटी एक गुजरात माटे नथी पण आखा भारतवर्ष माटे एक एक्जाम्पल बनवा जई रह्यु छे। तो एना कारणे आपणे एवुं करीए छे कि आखा इंडिया में एनुं प्रमोशन फूल फ्लेज थवुं जोईए अने अमारी जे शरूआत छे ते अमे आखा डिफरेंट सिटीज में अमे चालू करी दीधी छे। અને અત્યારે જે આપણે ઇનોગ્રેશન આ સુરત સિટીથી કરીએ છીએ એનું એક જ કારણ છે, કારણ કે અત્યારે જે આખા આખા ઇન્ડિયામાં તમે જો તો પ્રોપર ડેવલપ સિટીની અંદર તમને એક સુરતનું નામ આવે છે અને ત્યાંથી આપણે જો એ વિઝનને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો ત્યાંથી લઈને આપણે જ્યાં સુધી પહોંચવા માંગીએ છીએ ત્યાં સુધી ડેફિનેટલી આપણે પહોંચીશું। અને અત્યારે જોશી સાહેબ સાથે આપણે અમે જે પણ કામ કરીએ છીએ ધોલેરા સિટીમાં એમનો ખૂબ સહયોગ હોય છે અને ખૂબ જ એગ્રેસિવ ડેવલપર છે આપણા જે જોશી ઇન્ફ્રા હેડ કરે છે અને અમારી પણ એ જ ઈચ્છા છે કે એમને જે એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઇન્ડિયાની અંદર દરેક સ્ટેટમાં અને આખા વર્લ્ડમાં ગ્લોબલી અમે આજથી એક વર્ષમાં અમે પહોંચીશું ધોલેરાને લઈને અને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ આપણે સીમિત નહીં રહી શકે આખી સુરતના કે અમદાવાદના જ પબ્લિક ત્યાં ધોલેરામાં નહીં હશે પણ આખા ભારત વર્ષથી અને આખા યુરોપથી અને તમે એશિયાના કોઈ પણ કન્ટ્રીથી કાલે જોશો તો ત્યાંથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવતું તમને દેખાશે ધોલેરાની અંદર। તે અમારું આખું વિઝન છે અને એના ઉપર જ આપણે કામ કરીએ છીએ।